Hey guys, press the bell icon on YouTube app and never miss another update with Teleglam. Hi. Thank you. बहुत यूनिक रोल है तो आई वाज सरप्राइज्ड कि टीवी में इतना मतलब बोल्ड रोल है कि एक लड़की है जो रिक्शा चला रही है एंड एक्चुअली उसमें रिक्वायरमेंट थी कि मैं एक्चुअली रिक्शा चलाऊं तो मुझे नहीं पता था ऐसा हो पाएगा या नहीं बट थैंकफुली विद ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इट वाज पॉसिबल एंड इट वाज द बेस्ट रोल आई कुड गेट एज ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप बीइंग अ फीमेल सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. जब मैं प्रोडक्शन हाउस गया और मतलब पहले बहुत ऑडिशंस ये फाइनल होने के बाद तो मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो मैं सिर्फ 2 घंटे आई थिंक सुनता ही रहा तो 1.5 से 2 घंटा हो गया था जो हम लोग बैठ के सुन रहे थे कहानी और मुझे बहुत पसंद आया. मैंने कहा यार बॉस के ठीक है कुछ नहीं करना है सीधा हाँ करके साइन करके और निकलना है. तो मुझे कहानी बहुत प्यारी लगी और जैसे कि कहानी का जो अभी मतलब मेन शुरू होने वाली है तो उसके लिए आपको बहुत जल्द अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. ऑलरेडी हमारे आज 12 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं आज 13 आ जाएगा तो कहानी और मज़ेदार होती रहेगी. राइट एक्चुअली ऑनेस्टली नहीं था. मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते हैं कि हमें लगता है एक तो कि लोग क्या सोचेंगे. जब मैं भी ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो लोग मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि ये क्या कर रही है, लगता भी नहीं है कि ये रिक्शा वाली है बट रिक्शा चला रही है. बट आई थिंक बहुत इजी था रिलेटिवली और कोई भी चला सकता है. आई थिंक कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है जो भी ठान ले तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. हम बस आई थिंक हम सोच के कि लोग क्या सोचेंगे ये इस बात को दिमाग में रखते हुए हम अटेम्प्ट ही नहीं करते. उससे अच्छा है ना कि मतलब कभी कोई रिक्शे वाले भैया बीमार हुए या कुछ हुए तो साबिक खुद ही रिक्शा चला के आप भैया पीछे बैठिए हम चलते. फर्स्ट तो प्रोमो देखकर मैं ही ऐसे हो गया कि वाह यार मतलब क्या बनाया है क्योंकि आपको भी ना इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम शूट कर लेते हैं हमने कैसे परफॉर्मेंस की है. इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक शॉट बैठकर चेक करें तो हमने भी देखा कि यार वाह. और फर्स्ट प्रोमो जो साबी का था सोलो तो मैंने देखा यार कमाल का बनाया है. ऑडियंस के जिन जिन लोगों को पता चला कि भाई हम ये शो कर रहे हैं उनका ढेर सारा मतलब प्यार उनके मैसेज उनके कॉल्स हमें तो बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है. प्रोमो में ऑनेस्टली चलाने का ज़्यादा नहीं था फुटेज लेकिन प्रोमो देखकर सब बहुत खुश थे. उनको बहुत अच्छा लगा ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस ओवरऑल जो एक थोड़ी सी स्टोरी की झलक मिल गई थी कि मतलब अपने पापा का रिक्शा चलाती है लेकिन उस बात में उसे ज़रा भी शर्म नहीं है. वो गर्व से चलाती है और उसे मामी से प्यार मिलता है मम्मी से प्यार मिलता है बहन से थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती है जैसे हम सारे भाई बहनों के बीच में रहती है और माँ के साथ बहुत अच्छा है. तो एक स्टोरी अच्छे से मतलब एक प्रोमो में थोड़ा सा डिलीवर हो गई थी तो उससे लोग काफ़ी एक्साइटेड और एंटिसिपेट कर रहे थे कि अच्छा ये कैसे होगा कि मतलब लड़की रिक्शा चला रही है और मतलब क्या इसमें ट्विस्ट हो सकता है क्योंकि बहन का थोड़ा सा शेड दिखाया था उसमें ग्रे शेड. थैंक यू आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हमें सपोर्ट करते हैं आप शो को इतना ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं हमारे लिए उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.